वॉइस ऑफ एमपी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली। जानते हैं आज की बड़ी खबर है। जिला मुख्यालय के नजदीक नरसिंहपुरा गांव में 500 परिवार पिछले 20 दिनों से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों की शिकायत है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव की बिजली बंद है। डीपी जलने के बाद आज तक वापस डीपी लगाने की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते गाँव के स्कूली बच्चे चिमनी में पढ़ाई कर रहे हैं। नीमच शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ओलंपियाड खेल प्रतियोगिता, तहसील स्तरीय कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल एवं रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शासकीय स्कूल क्रमांक 2 नीमच पर आयोजित हुआ, जिसमें नीमच तहसील के 600 स्कूली बच्चों ने भाग लेकर अपना प्रदर्शन दिखाया। नीमच जिला न्यायालय परिसर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्रकरणों का निपटारा किया। यहाँ मुख्य रूप से नगरपालिका की टेबलों पर अधिक भीड़ देखी गई। प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, मगर नीमच के जिला अस्पताल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका आज फिर एक ताज़ा मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में सोनोग्राफी सेंटर पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेंटर बंद होने से मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जाँचें पूरी नहीं होने से डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सोनोग्राफी करवाने के लिए सोनोग्राफी में गुरुवार को तो आए थे, भटक के गए और आज भी आए, फिर आज भी बैठे हैं सुबह से भी।